परेशिया वॉशिंग मशीन और मेरे मेहमान खसूसी तशरीफ लाए हुए हैं और साहब के लिए मैं पेश कर रहा हूँ ये आइटम, जरा तवज्जो कीजिएगा। हाँ, तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए ले चलते हैं कि मुसाफिर कोई ना हो उस रास्ते का जिसकी मंजिल कोई नहीं। आज हम तारक अजीज शो में चौधरी शुजात हुसैन को लाए हुए हैं, आइए मुलाकात करते हैं चौधरी शुजात हुसैन से। चौधरी साहब, ये इलेक्शन हुआ, आप सियालकोट वाली सीट से भी हर गए। सियालकोट वाली सीट से हरना तो समझ लगती थी, आप गुजरात वाली सीट से भी हर गए, ये हुआ क्या? सुपर एशिया वॉशिंग मशीन, आप मेहमान हैं ऊंट मार का साबुन बनाने वालों का। स्पॉन्सर देखो कितना तगड़ा है। आइए तो आज हम चौधरी साहब से ही पूछ लेते हैं कि ये क्या हुआ कि गुजरात से आपका हरना मुझे अच्छा ना लगा, सियालकोट तो चलो ठीक है आप हर गए, दूर दराज था, आप अपने घर से ही हर गए, इसकी वजह क्या है? बात कहती है कि हर जाना कोई बात नहीं, आप हर भी जाएं चौधरी तो आप हैं ही, ये समझा जाता है आपको चौधरी साहब। ये वजह क्या हुई कि आपके लोगों ने वोट नहीं डाले, क्या ऐसा कोई करिश्मा हुआ कि आप हरने पे मजबूर हो गए? खुश बेटा खुश। ये जो सीटें हैं, सीटें मिलती रहती हैं, जीतना हारना होता है, ये क्या वजह आप बताएंगे क्या? जैसे ही मैं समझता हूँ कि लोगों ने वोट ही डाले, लोगों ने वोट भी डाला है, वोट डाले मैंने समझ के वोट ही डाले हैं, वोट डाले हैं, ये तो गिनती में कोई हेराफेरी नहीं हुई, या कोई मेरे ख्याल ऊपर से अल्लाह ने बेड़ा कर रखी है। नून लीग वाले, नवाज शरीफ वाले भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले खुद आए हुए हैं, तो ये जो दोनों पार्टियां हैं, काफ लीग के बारे में तो खैर कुछ कम है, लेकिन आपके बारे में बहुत बातें हो रही हैं। ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब को तीसरा कलमा नहीं आता। देखिए जी, तीसरे कलम की बात जो है, मैं समझता हूँ कि तीसरे की बात कुछ शरारत की गई है, सारे कलमे किसी को नहीं आते, ये तीसरे कलमे की बात करते हैं, अगर कलमा सुनना है तो पहले सुन ले जो आम चलता है। रफ्तार और आपका ये साइकिल ना जीतना भी अब पाकिस्तानी है, और आपने तस्लीम किया हार के भी कि हम हरे नहीं बल्कि हम जरा पीछे हैं जीतने वालों से, तो बड़ी फराख दिली से आपने ये हार भी कबूल की और उन्होंने भी, और ये मुल्क को इसी तरह से चलने में ये आटे की शोर शराबा और ये हंगामा और ये सुई गैस नहीं, कभी पानी नहीं, कभी वो नहीं, कभी वो नहीं। और आपने एक बात और कही थी कि पढ़ा लिखा पंजाब, तो मैं कौन सा झूठ बोला? सारे बंदे को देखना, 100 तक किसको गिनती नहीं आती। ताली रहे। हमने कोई वादा किया था पूरा नहीं किया, आपने दीवारों पे लिखा होगा, पढ़ा होगा आपने कि पढ़ा लिखा पंजाब, यही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लोगों को हम घरों से उठा उठा के स्कूल में ले रहे हैं बच्चों को, ये नहीं हो सकता भैया। हमने सिर्फ इशारा किया था कि पढ़ा लिखा पंजाब होना चाहिए, अगर किसी बंदे ने पेंट पहनी हुई, धोती पहनी हुई है या निकर पहनी हुई, तो उसे पढ़ा लिखा पता होना चाहिए कि है क्या बात है। हिसाब किताब के लिए मैंने लिखा है कि अगर कोई ऐसी बात मुझसे हो गई है तो मैं माफी चाहता हूँ इसके बारे में। देखिए, हमने एक साजिश ऐसी की है पीपल्स पार्टी के बाहर के नून लीग के बारे में, हमने महंगाई इतनी कर दी है कि देखेंगे किस तरह से कंट्रोल कर देंगे। तालियां बजाइए, नारे तकबीर।